जो फाउंडेशन है यहाँ, आपने कहीं ना कहीं मतलब अफ्रीका में भी बहुत चैरिटेबल काम किया है, हम इंटरनेट पे देखते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया से जब बाहर गए और वहाँ इतना काम एक्सपांड किया, लेकिन फिर भी अपने देश की खुशबू आपको वापस ले आई, तो ये एक इंसान का दिल जो हिंदुस्तानी वहाँ जाके भी रहा, वो ज़रा बताइए कैसे। सबसे पहले तो मैं जब इंडिया छोड़ के अफ्रीका गया था, तब मेरा दिल मैं हिंदुस्तान में रख के गया था। अभी भी अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं इंडियन हूँ और हमारे देश के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो वो हिसाब से काम चल रहा था, लेकिन जैसे बताया, 2 साल पहले एक दिमाग में ख्याल आया कि मैं अभी मेरी कैपेसिटी इतनी डेवलप हुई है और हम लोग बहुत इससे भी ज़्यादा काम कर सकते, अपने देशवासियों की, देश की सेवा कर सकते, तो मैं क्यों नहीं कुछ फॉर्मल वे में करूं ताकि लोग भी मेरे साथ जुड़े और हम मिलके बड़ा काम करें। तो वो हिसाब से मुझे जो वो विचार आया था 13 सितंबर 2014 में, और मेरी टीम के साथ डिस्कस किया, और 14 सितंबर नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था, और बर्थडे हमने वो मिशन लॉन्च किया, मिशन 2015-2030, 15 साल का मिशन लॉन्च किया। और हमने डिसीजन लिया कि अभी ये मिशन को हम फॉर्मल वे से शुरू करेंगे, तो इसके लिए हम लोग अफ्रीका में, जहाँ मोजाम्बिक में मैं रहता हूँ वहीं, और इंडिया में, दो जगह पे हम लोग फाउंडेशन खोलेंगे, और फाउंडेशन खोल के हम लोग फॉर्मल वे से काम करेंगे। तो 2 साल कंप्लीट होएगा दिसंबर एंड में, क्योंकि जनवरी 2015 से इंडिया में शुरू हुआ है, सेम टाइम पे हमने मोजाम्बिक में भी शुरुआत की अफ्रीका के अंदर। और 2 साल में जैसे बताया कि अफ्रीका और मोजाम्बिक में तकरीबन हमने हंड्रेड्स प्रोजेक्ट्स किए और ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों तक हम लोग पहुँचे हैं। वाह,